नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाकर महात्मा गांधी का अपमान करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उनके अपमान का एक और मामला सामने आ गया है। 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने साबरमती के संत को गिरफ्तार किया था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी को लेकर पलवल रेलवे स्टेशन पर उनकी यादों को संजोया गया है और घटना को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में महात्मा गांधी के नाम को पैरों तले रोंदा जा रहा है। ये तस्वीर है भोपाल रेलवे स्टेशन की, जहां सीढ़ियों पर शहर के जिम्मेदारों ने बापू का नाम लिखकर उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। स्वतंत्रता की धरोहर देशवासियों को देने वाले महात्मा गांधी का नाम पैरों तले रोंदा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महात्मा गांधी का नाम रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लिखने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, वहीं आमजन भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बार बार महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उनके रास्ते पर चलेंगे, उनके रास्ते पर देश का विकास करेंगे, और दूसरी तरफ उनका अपमान करने से चूकते नहीं। चाहे वो गोडसे की मूर्ति लगाने का मामला हो, ये सब इनसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे स्टेशन पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियों पे महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ, लोग पैदल चल रहे हैं वहाँ पे, कुछ उनके पैर रख रहे हैं। जहाँ फ़ायदा है महात्मा गांधी तो फ़ायदा उठाएंगे, और जहाँ मौका लगेगा महात्मा गांधी की खिलाफत करेंगे, उनका अपमान करेंगे। ये बर्दाश्त न देश करेगा न कांग्रेस पार्टी करेगा। बापू जी का नाम ये चरणों में आ रहा है, ये सही नहीं है। इतना महान इंसान, इसका पैरों में सीढ़ियों पर नाम डालना ठीक नहीं है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।